आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द डिजिटल गौरव पे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रन फेसबुक एड्स एंड इंस्टाग्राम एड्स। आप सभी ने कभी ना कभी फेसबुक के ऊपर एड्स देखे होंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स देखे होंगे और आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आई होगी कि यार ये एड्स लगाते कैसे इन एड्स को हम क्रिएट कर सकते, कैसे हम हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट कर सकते विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। एंड सबसे मेन चीज़ कि यार फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स लगाना बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस आपको एक राइट डायरेक्शन पता होना चाहिए कि यार करना क्या है, कैसे करना है। सो आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं कि यार क्या फेसबुक एड्स होते हैं, क्या इंस्टाग्राम एड्स होते हैं और कैसे आप आपका खुद का पहला एड लगाओगे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। सो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा आप सभी के लिए ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट रेगुलर लाने के लिए। सो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सबसे पहले समझते कि ये फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स होते क्या है, जो कि हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फेसबुक एड्स एंड इंस्टाग्राम एड्स। आप सभी ने कभी ना कभी फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, या तो वो ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट का होगा, या तो वो कोर्स सेलिंग का होगा, या कोई अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा होगा, या कोई ब्रांड अवेयरनेस फैला रहा होगा, शॉपिफाई का हो गया, एयरटेल ब्रॉडबैंड का हो गया, गाना का हो गया, जियो का हो गया, एन नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे या तो फेसबुक के ऊपर या तो इंस्टाग्राम के ऊपर। अब ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स होते हैं, ये चलाते कैसे, ये हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। उसके पहले हम समझते हैं कि यार फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स होते क्या है। हम बहुत ही बेसिक तरीके से इसके बारे में बात करते हैं। हम सभी को ऑलरेडी पता है कि फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं। एक्टिव यूज़र्स मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है रेगुलर बेसिस के ऊपर, मिलियन ऑफ ट्रैफिक आता है, मतलब मिलियन ऑफ पीपल रोज इंस्टाग्राम को या फेसबुक को यूज़ करते हैं। आप खुद सोचो, आप दिन में कितना इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, कितना फेसबुक यूज़ करते हो। अब जो बड़ी बड़ी कंपनी से, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को मार्केट करना है, वो इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम ये प्लेटफॉर्म्स हो गए जहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है, यूज़र्स अपना अकाउंट बना रहे हैं, कोई क्रिएटर है, कोई यूज़र है, कोई बस इंस्टाग्राम को चला रहा है, कोई रील देख रहा है, कोई पोस्ट को लाइक कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ट्रैफिक का सोर्स है, वहाँ पे ट्रैफिक एक्यूमुलेटेड है। और जहाँ पे ट्रैफिक होता है, जहाँ पे लोग होते हैं, वहाँ पे व्यापार होता है। सो फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप हमें पैसे दो, हम हमारे प्लेटफॉर्म पे जो ऑडियंस अवेलेबल है उनको आपका एड दिखाएंगे। अब फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर तो डिफरेंट नीश की ऑडियंस है, किसी को फिटनेस पसंद है, किसी को एजुकेशन पसंद है, किसी को और चीज पसंद है, किसी को क्या पसंद है। सो यहाँ पे फेसबुक या बोल सकते हैं मेटा आपको इतनी टारगेटिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको जिस पर्सन को टारगेट करना है, जिस कैटेगरी वाले पर्सन को टारगेट करना है, उसको आप टारगेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेटा एड्स या बोल सकते हैं फेसबुक एड्स। सो जब भी आप फेसबुक को या इंस्टाग्राम को पे करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, सो वहाँ पे आप एक स्पेस बुक कर रहे हो कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, या जो आईज है उनका अटेंशन आप ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो पोस्ट है, उन पोस्ट के बीच में एक स्पेस है, वो स्पेस आप बाय कर रहे हो पैसे दे के फेसबुक और इंस्टाग्राम को। अब इसका बेसिक एग्जांपल आप सभी को ऑलरेडी पता है कि हम टीवी देखते हैं, सो बीच बीच में आते हैं एडवर्टाइजमेंट। मान लो 2 घंटे की मूवी है, उसके अंदर 5-5 मिनट के मल्टीपल स्पेस है। अब वो मल्टीपल स्पेस के अंदर जो एडवर्टाइजर होते हैं, जिनको एड लगवाने हैं, वो न्यूज़ चैनल वालों को कॉन्टेक्ट करते हैं कि यार इस पर्टिकुलर टाइम में मेरा एड लगा देना, और वो करोड़ों रुपए पे करते हैं उस 20-30 सेकंड के एड का, जिससे उनका बिजनेस ग्रो होता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, यूजर्स बहुत ज़्यादा है, बस आपको राइट तरीके से इसको यूज़ करना चाहिए, कैसे टारगेटिंग कर दिए, कैसे आपके पोटेंशियल कस्टमर को ही एड दिखना चाहिए। अब मान लो आपका प्रोडक्ट है ऑनलाइन कोर्स या जो भी आप सेल करते हो, आप ऐसे बंदे को दिखा रहे हो जिसे ऑनलाइन कोर्स से कुछ मतलब ही नहीं है, सो क्या वो आपके कोर्स को परचेस करेगा? इसका सिंपल सोबर आंसर है ना। सो फेसबुक आपको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किस तरीके से टारगेटिंग करनी है, किस एज ग्रुप वाले को टारगेट करना है, किस इंटरेस्ट वाले को टारगेट करना है, किस कंट्री में टारगेट करना है, किस सिटी में टारगेट करना है, किस स्टेट में टारगेट करना है। ये सारी चीज़ें आपको आगे डिटेल में समझ में आ जाएगी जब हम फेसबुक एड्स मैनेजर ओपन करेंगे, वहाँ पर हम सारी चीज़ें समझेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ कवर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम मेटा एड सेटअप करते हैं या बोल सकते हैं
फेसबुक एड सेटअप करते हैं, सो आपके एड्स कहाँ कहाँ पे शो होते हैं? सबसे पहला प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा। इस प्लेटफॉर्म पे आप एड्स लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेटा एड्स। इसके बाद आता है फेसबुक, फिर आता है फेसबुक मैसेंजर, फिर आती है थर्ड पार्टी वेबसाइट्स एंड एप्स, कुछ गेमिंग एप्स हो गई, कुछ न्यूज चैनल वेबसाइट्स हो गई, कुछ फिटनेस एप्स हो गई, जो कि फेसबुक एड्स नेटवर्क का पार्ट है। सो वहाँ पे आपके एड्स आप शो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेटा एड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की जो भी कहानी है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं कि ये फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर क्या है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप फेसबुक एड्स रन करोगे तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है कि यार इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आप कभी भी फेसबुक एड्स अच्छे से चला नहीं पाओगे और आपको हमेशा कुछ ना कुछ डाउट रहेगा। अब ऐसा नहीं कि यार हमने अकाउंट बना लिया, बजट लगा दिया 5-6 हज़ार रुपये या जो भी आपका कैपेबिलिटी है बन करने की या लगाने की, वो आपने लगा दिया और दबा के पैसा फूक रहे हो, कुछ भी टारगेटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पता ही नहीं क्या करना है कैसे करना है। सो चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करेगी। एक पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी लगती है, प्रॉपर प्लानिंग लगती है फेसबुक एड्स रन करने की, जो कि हम स्लोली स्लोली समझेंगे हमारे चैनल के ऊपर। सो इसकी टेंशन आप ना लो। सो अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर क्या है। अब फेसबुक एड स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है हमारा कैंपेन, जो कि हमारा टॉप मोस्ट लेवल है हमारे फेसबुक एड्स का। अब आप कंफ्यूज मत होना, इसे हम फेसबुक एड्स बोल रहे हैं बार बार। आप फेसबुक एड्स की मदद से, जिसे हम बोलते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर, और मेटा एक पेरेंट कंपनी जिसके अंदर सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया। सो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं लाना है। जब भी मैं फेसबुक एड स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, सो जहाँ से हम एड रन करेंगे, जहाँ से हम कैंपेन क्रिएट करेंगे, जहाँ से हम एड सेटअप करेंगे, उसका स्ट्रक्चर मैं समझा रहा हूँ। सो फेसबुक एड स्ट्रक्चर पर सबसे पहली चीज आती है कैंपेन। अब कैंपेन हमारे फेसबुक एड्स का टॉप मोस्ट लेवल है, जहाँ पे आप आपके ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो, जैसे कि क्या आपको ब्रांड अवेयरनेस करनी है, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस की ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाना है, सो यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस वाले एड्स हो गए। क्या आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ड्राइव करना है, सो ट्रैफिक ड्राइव करने वाले एड्स हो गए। क्या आपको लीड जनरेट करनी है अपने बिजनेस के लिए, सो लीड जनरेशन वाले एड्स हो गए। सो यहाँ पे कैंपेन के अंदर हम हमारे गोल को सेट करते हैं कि यार हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या। ये आपको समझ में आएगा जब मैं आपको एड्स मैनेजर दिखाऊंगा लाइव। इसके बाद आते हैं एडसेट्स। अब एडसेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले आया कैंपेन, कैंपेन के नीचे आते हैं एडसेट्स। अब एडसेट्स के अंदर आप टारगेटिंग डिसाइड करते हो, किन लोगों को टारगेट करना है, आपका बजट क्या होगा, कब एड को शेड्यूल करना है, कहाँ कहाँ पे ऐड दिखाना है। यहाँ पे आपके पास लिबर्टी होती है, फ्रीडम होती है कि आपको क्या इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड दिखाना है, क्या आपको फेसबुक का जो अपना वेबसाइट्स हो गई, ऐप्स हो गई, उनका जो नेटवर्क्स है जहाँ पे एड्स रन होते हैं फेसबुक के थ्रू, उन पे आपको एड्स दिखाना है, क्या आपको ओनली रील्स के ऊपर ऐड दिखाना है, क्या आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर ऐड दिखाना है, होम पेज पर दिखाना है। सारे प्लेसमेंट्स आपको मिलते हैं और ये पूरी फ्रीडम आपके पास होती है कि आपको एड्स कहाँ पे दिखाने हैं। ओके, ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा कि एडसेट्स क्या होते हैं। उसके बाद ऑडियंस टारगेटिंग हो गई कि किन लोगों को टारगेट करना, उनका एज क्या है, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी जो चीज़ें हम सेट करते हैं, कैसे आपको ट्रैकिंग करनी है, किस लेवल पर ट्रैकिंग करनी है, क्या परचेस ट्रैक करनी है, क्या लीड्स ट्रैक करनी है, क्या वेबसाइट पर ट्रैफिक को ट्रैक करना है, सारी चीज़ें आती है हमारी एडसेट्स के अंदर। अभी आपको कुछ चीज़ें ऊपर से जा रही होगी, सो डोंट वरी, जब मैं पैनल दिखाऊंगा आपको फेसबुक एड्स का, सो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर आते हैं हमारे एड्स। सबसे पहला टॉप में आता है कैंपेन, पहले हम कैंपेन क्रिएट करते हैं, फिर कैंपेन के नीचे आते हैं एडसेट्स, एडसेट्स के नीचे आते हैं एड्स। एड्स के अंदर आपकी वीडियो एड्स हो गई, आपकी इमेज वाली एड्स हो गई, जो भी आपके क्रिएटिव्स होते हैं। क्रिएटिव्स मतलब जो लोग, जिसके थ्रू आपके वेबसाइट के ऊपर लोग आएंगे, मान लो एक फ़ोटो हो गया, एक वीडियो हो गया, ये सारी चीज़ क्या है, क्रिएटिव्स है, जिन्हें हम एड्स बोलते हैं। आप क्रिएटिव्स के डिफरेंट फॉर्मेट, आप वीडियो बना सकते हो, आप कैरोसेल बना सकते हो, आप इमेज भी अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन आप टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद उस क्रिएटिव के अंदर टाइटल क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, क्या कॉल टू एक्शन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि कैंपेन, एडसेट्स और एड्स के बारे में आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होगी।
सो मैं उम्मीद करता हूँ कि फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। कैंपेन, कैंपेन के नीचे एडसेट्स, एडसेट्स के नीचे एड्स। सो अब हम चलते हैं हमारे एड्स मैनेजर की तरफ, जहाँ से हम एड्स को रन करते हैं। सो ये हमारा एड्स मैनेजर है, जहाँ पे आप पूरा ये सब चीज़ें आपको दिखेगी, क्या होता है कैंपेन, क्या होता है एडसेट्स, क्या होता है एड्स। सो मैं दूसरा अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से जब भी आपका एक नया एड्स मैनेजर बनेगा, जहाँ से आप एड्स को रन करोगे, सो इस तरह का आपको पैनल मिलता है। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं कि कैंपेन्स हो गया, एडसेट्स हो गया, एड्स हो गया। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी पे आपको ध्यान देना है, फालतू हमें इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, सेटिंग्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी पे ध्यान देना है। इसके ऊपर एड्स मैनेजर के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे एड्स मैनेजर का पूरा ट्यूटोरियल रहेगा, कहाँ से क्या होता है, सारी चीज़ें उस वीडियो में कवर कर देंगे। अभी हम एड्स क्रिएट करते सीख रहे हैं, पैनल को समझ रहे हैं कि कहाँ से क्या क्या होता है, एड्स के लिए ओनली, फालतू सेटिंग्स से हमें मतलब नहीं है। जैसे ही आप एड्स मैनेजर ओपन करोगे, आपका अकाउंट क्रिएट करोगे फेसबुक आईडी के थ्रू, तो आपको एड्स मैनेजर मिलेगा, जहाँ पे आपको ऐसा पैनल दिखेगा। अब यहाँ पे आपको ग्रीन बटन में एक दिख रहा है क्रिएट। अब मैं सिलेक्ट क्या हूँ, मैं सिलेक्टेड हूँ कैंपेन के ऊपर। मैं यहाँ पे आ जाऊँगा तो एड्स सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाऊँगा तो एड्स सेलेक्ट हो जाएंगे। जो कि मैंने आपको बताया था कि कैंपेन्स होते हैं, कैंपेन्स के अंदर एड्स सेट्स होते हैं, एड्स सेट्स के अंदर एड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, सबसे पहले क्रिएट पर दबाएंगे। अब जैसे ही मैंने आपको बताया था कि यार ऑब्जेक्टिव क्या है कैंपेन के अंदर, हम सिलेक्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आपको अवेयरनेस फैलानी है आपके प्रोडक्ट सर्विस के लिए। सो यहाँ पे आपको रीच मिल जाती है, ब्रांड अवेयरनेस हो गया, वीडियो व्यूज हो गया, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस हो गई, क्या आपको ट्रैफिक ड्राइव करना है, क्या आपको लिंक क्लिक करवानी है, लैंडिंग पेज के व्यूज़ बढ़ाने हैं, मैसेंजर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के ऊपर आपको ट्रैफिक ड्राई करना है, आपको कोर्स के लिए ट्रैफिक ड्राई करना है, ये सारी चीज़ें आ गई हमें ट्रैफिक के अंदर। फिर आता है एंगेजमेंट, वीडियो व्यूज़, पोस्ट का पोस्ट पे लाइक बढ़ाना, फॉलोवर्स बढ़ाना। फिर आती है लीड्स, इंस्टा जो इंस्टेंट फॉर्म्स होते हैं, लीड्स फॉर्म होते हैं, लीड्स जनरेट करना, जो एप्लीकेशंस होती है उनको इंस्टॉल कराना, और आता है सेल्स। सो इस तरीके से आप सिलेक्ट करते ऑब्जेक्टिव। मान लो हम सिलेक्ट कर लेते ट्रैफिक। अब यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है कंटिन्यू, सो हम टैप करेंगे कंटिन्यू के ऊपर। सो कुछ रिफ्रेश होगा, यहाँ पे पैनल खुल जाएगा। अब ये जो हमारा है, ये है हमारा कैंपेन, कैंपेन का नाम हो गया। यहाँ पे नाम आप एडिट कर सकते हो, जो भी आपको नाम डालना है वो डाल सकते हो। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एड्स की कैटेगरी हो गई, यार कौन सा ऐड आपको रन करना, तो इनसे हमें मतलब नहीं। ये वो है जो क्रेडिट कार्ड वाले एड्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स वाले एड्स होते हैं, पॉलिटिकल एड्स होते हैं, उसमें आपको सिलेक्ट करना। आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी तो है नहीं, ऐसे एड्स तो आप रन नहीं कर रहे हो, आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है तो आपको सिलेक्ट करना है। ओके, फिर आ गया हमारा कैंपेन डिटेल की, यार बजट, ऑक्शंस, ऑक्शंस मतलब यार आपकी बीट लगती है यहाँ पे, जो स्पेस अवेलेबल है इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। अब बहुत सारे एडवर्टाइजर्स वहाँ पे बीट लगा रहे हैं, एड्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो बीट के अकॉर्डिंग आपको स्पेस मिलती है। मान लो किसी की बीट ज़्यादा है तो उसे पहले स्पेस मिल जाएगी, उसके बाद आपको स्पेस मिलेगी एड दिखाने की। सो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं करते, आप इतना समझो कि आपको यहाँ पे कोई छेड़छानी नहीं करनी, ये जैसा है उसे वैसा ही रखना है। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, ट्रैफिक ड्राइव करना है। इसके अलावा हम वापस इस पर एडिट करेंगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रैफिक ड्राइव करना है। ओके, फिर ए बी टेस्टिंग हो गई। ए बी टेस्टिंग मतलब आप डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। फिर आता है एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको पहले बोलते थे सी बी ओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जो कि इसका नाम अब चेंज कर दिया है फेसबुक ने, एडवांटेज कैंपेन बजट बोल दिया। अब इसका मतलब क्या है, सी बी ओ क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आएगी। बेसिक सा समझो, मान लो एक कैंपेन है ये वाला, अब इसके अंदर मैंने दो तीन एडसेट्स बना दिए, समझ रहे हो, दो तीन एडसेट्स बना दिए। अब मुझे मैं कैंप अब यहाँ पे आपके पास फैसिलिटी है कि आप एडसेट्स को भी बजट दे सकते हो, इंडिविजुअल बजट दे सकते हो। और अगर आपको पूरे कैंपेन का बजट डालना है और उसके अंदर चार एडसेट्स है, जिसके अंदर डिफरेंट टारगेटिंग है, डिफरेंट लोकेशन है, डिफरेंट चीज़ें, सो आप पूरे कैंपेन को भी बजट यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पे जो आप बजट डालोगे वो पूरे कैंपेन का बजट होगा, और जो भी एड सेट अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है उस अकॉर्डिंग फेसबुक के एल्गोरिथम उस पर्टिकुलर एड सेट को बजट अलोकेट करेगी।
मतलब ये ऑटोमेटिक होगा, इसे CBO कैंपेन बोलते हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी बेसिक चीज़ें समझो आप। ये हो गया हमारा कैंपेन, यहाँ पे कैंपेन की रामकथा खत्म। फिर आते हैं हम एडसेट्स के ऊपर। ये हो गया एडसेट्स, एडसेट्स का आप नाम चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपका कन्वर्जन क्या है, क्या वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना है, क्या ऐप के ऊपर ट्रैफिक लाना है, क्या मैसेजिंग ऐप के ऊपर लाना है, कि कॉल के लिए आपको ट्रैफिक लाना है। ये हो गया परफॉर्मेंस गोल, हमेशा हमें रखना है कि यार मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक, ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद शेड्यूल, कब के लिए शेड्यूल करना है। मान लो आपको ऐड परसों के लिए शेड्यूल करना, तो आप पहले शेड्यूल कर सकते हो कब आपका ऐड स्टार्ट होना चाहिए, कब आपका ऐड लाइव होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। फिर आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये है हमारी टारगेटिंग, जहाँ पे आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। लोकेशन हमारी US डली है, मान लो मैं इसे काट के डाल देता हूँ इंडिया, सॉरी ये हमारी लोकेशन डल गई इंडिया। उसके बाद क्या एज है, क्या जेंडर है। अब यहाँ पे आता है डिटेल टारगेटिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि आपको किन लोगों को टारगेट करना है। मान लो हम बोलते हैं कि यार जो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं उन लोगों को, हम अब ट्रैवल में बहुत सारे इंटरेस्ट आ गए, ट्रैवल्स हो गया, बिच ट्रैवल्स हो गया, ट्रैवलिंग व्हील बरी हो गया, ब्लूज ट्रैवल्स हो गया। अब मान लो मैं सिलेक्ट करता हूँ ट्रैवल्स। अब यहाँ पे देखो इतना बड़ा ऑडियंस बेस है ट्रैवल्स का, ट्रैवल एंड टूरिज्म जो इंटरेस्ट है उसका इतना बड़ा ऑडियंस बेस है। सो इस अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपकी टारगेटिंग सेट कर सकते हो, किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, किस जेंडर को टारगेट करना है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टारगेट करना है, सारी चीज़ें यहाँ से हो जाती है। आप सजेशन पे जाओगे तो आपको और सजेशन मिल जाएंगे, इंडस्ट्री हो गई, एडवेंचर ट्रैवल हो गया, हॉलीडेज हो गया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज होनी चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक तो ऑटोमेटेड प्लेसमेंट है कि फेसबुक अपने अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ भी टारगेटिंग करना है वहाँ पे टारगेटिंग करेगा प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग, या मैनुअल प्लेसमेंट्स। अब मैनुअल प्लेसमेंट्स आप सिलेक्ट करोगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं बहुत सारे, कि यार फेसबुक पे टारगेट करना है, इंस्टाग्राम पे टारगेट करना है, ऑडियंस नेटवर्क, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक या मैसेंजर हो गया और ऑडियंस नेटवर्क हो गया। अब डिवाइस जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उन्हीं को टारगेट करना है कि दोनों को टारगेट करना है। सो इस अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन है, इंस्टाग्राम फीड हो गया, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर हो गया, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम रील। अब मान लो इसको हटा के बस आप रील को सिलेक्ट करते हो तो ये आपका जो ऐड है वो कहाँ पे दिखेगा, रील्स पे दिखेगा। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं टारगेटिंग के। ऐप्स एंड नेटवर्क, जो मैंने आपको बताया कि जो फेसबुक के एड्स नेटवर्क है वहाँ पे आपके एड्स दिखेंगे। ये पूरी रामकथा हो गई हमारी एडसेट्स की। पहले हमने कैंपेन के बारे में बात करी, फिर हम एडसेट्स के अंदर आए, अब आते हैं एड्स के अंदर। एड्स मतलब आपका क्रिएटिव, आपकी वीडियो की जो भी चीज़ें होती वो। अभी हमने बात कर ली एडसेट्स की, उसके पहले हमने बात कर दी कैंपेन की, अब हम चलते हैं एड्स के ऊपर। जैसे ही हम एड्स के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको एड्स का नाम एडिट करने के लिए मिल जाता है, आप प्रीव्यू कर सकते हो एड्स को। उसके बाद अब कहाँ से आपको एड चलाना है, आपके फेसबुक पेज से चलाना है, इंस्टाग्राम से चलाना है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फेसबुक पेज के बिना आप एड नहीं लगा सकते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको फेसबुक के ऊपर ऐड लगाने के लिए, इवन इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऐड लगाने के लिए आपको फेसबुक पेज तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट फेसबुक पेज आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऐड नहीं लगा सकते। अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है ना तो चलेगा, लेकिन फेसबुक पेज आपको चाहिए। उसके बाद हमारा ऐड सेटअप हो गया, जहाँ पर हम एड्स क्रिएटिव डालते हैं, इमेज हो गया, कैरोसेल हो गया, कलेक्शन हो गया। मान लो इमेज के अंदर हम कोई सी भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लो ये वाला हमने ऐड सेलेक्ट कर लिया हमारा। अब ये पूरे ऑप्शंस आ गए किस अकॉर्डिंग आपको ऐड को सेटअप करना है, ऑप्टिमाइजेशन, ये मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया, ये सब ऑटोमेटेड यार, कुछ नहीं मतलब, बस फेसबुक सब कर लेगा उसके अकॉर्डिंग, बस आपको चलाते आना चाहिए। अब यहाँ पे वीडियो अपलोड हो गई पूरी प्रॉपर तरीके से, अब यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हो, हेडलाइन लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। टाइटल के अंदर मान लो मैं लिख देता हूँ बेस्ट इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स, ओके ये हो गया। अब यहाँ पे ये लिखा आया है, हेडलाइन के अंदर आप डाल दोगे एनरोल नाउ,
सो ये हेडलाइन आ गई। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपने डाल दिया, ये मान लो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, डिस्क्रिप्शन ऐसे आ गया। सो इस अकॉर्डिंग आप जो भी आपको चेंजेस करने हैं आपके एड्स के अंदर, मतलब ये देखो जो भी मैं प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ वो यहाँ पे आ रहा है, एनरोल नाउ लिख रहा हूँ एनरोल नाउ यहाँ पे आया था। सो इस अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ टेस्ट करनी है। अब बटन कौन सेलेक्ट करना है, गेट ऑफर, गेट शो टाइम, लिसन नाउ, ऑर्डर नाउ, मान लो हम गेट ऑफर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये गेट ऑफर आ गया। अब यहाँ पे क्या लिंक नहीं डली इसलिए इशू आ रहा है। मैं क्या करता हूँ लिंक उठाता हूँ एक, अब क्या यहाँ पे लिंक नहीं डली इसलिए इशू आ रहा, तो मैंने यहाँ पे एक लिंक को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने लिंक डाल दी यहाँ पे तो गेट ऑफर का आ गया। मान लो इसे आपको चेंज करना है कि या नहीं गेट ऑफर नहीं डालना है मुझे, बुक नाउ डालना है, तो मैं बुक नाउ कर सकता हूँ। नहीं यार बुक नाउ नहीं डालना है मुझे, कॉन्टेक्टस डालना है, कॉन्टेक्टस कर सकता हूँ। नहीं यार मुझे तो यार अप्लाई नाउ डालना है, अप्लाई नाउ कर सकता हूँ। सो ये आपके पास फ्रीडम है। और देखो फालतू चीज़ों को आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी यार, ये ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर पर्सन क्या होता है, ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्या है, नहीं जो बता रहा हूँ उसी पर ध्यान देना है। फालतू छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। इस तरह से आप एक ऐड क्रिएटिव को लगा के अपनी टारगेटिंग सेट करके अपना पहला इंस्टाग्राम ऐड लाइव कर सकते हो। मान लो एडवांस प्रीव्यू पे जाऊंगा तो यहाँ पे दिख जाएंगे कि यार किस तरह से प्रीव्यू दिख रहा है मुझे, कि मेरा ऐड दिखेगा कैसे, ये सारी चीज़ें आ गई मेरी, है ना। इस तरह से ऐड दिखेगा, रील्स के ऊपर ऐसा दिखेगा, इधर ऐसा दिखेगा, ये सारी चीज़ें हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब समझ में आ चुका होगा कि यार किस तरह से हमें एक ऐड सेटअप करना है फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू। इसको मैंने कर दिया पब्लिश, तो ये ऐड हो जाएगा पब्लिश, पब्लिशिंग वन ऑफ थ्री। अब वैसे कुछ था नहीं उसके अंदर, सो हम उसको डिलीट कर देंगे वापस से। इसे कर दिया हमने सिलेक्ट करके डिलीट। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट्स एंड क्वेरी, यार ये समझ में नहीं आया, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, सो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं खुद पर्सनली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। और हुआ तो यार कि कॉमन कमेंट्स आ रहे हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इशू आ रहा है, सो उसके लिए हम डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बना देंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा किस तरह से इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स वर्क करते हैं और कैसे फेसबुक एड्स मैनेजर वर्क करता है। सो ये थी आज की वीडियो, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।